आज हम बना रहे हैं मोहम्मद अली रोड स्टाइल बैदा रोल। बैदा रोल की रेसिपी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक कढ़ाई में हम एक प्याली तेल डालेंगे, उसमें चॉप कटी हुई 4 प्याज डालेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज में हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बारीक कटी हुई 4 हरी मिर्ची डालेंगे, चॉप कटे हुए 4 टमाटर डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधी टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, आधी टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़रूरत के अनुसार नमक डालेंगे और 5 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे। ये मसाला अच्छी तरह से पककर हो गया। अब हम क्यूब में कटा हुआ 750 ग्राम चिकन डालेंगे और चम्मच से हिलाकर मसाला और चिकन अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर डालेंगे। चम्मच से हिलाकर सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर से एक बार ढककर रख के चिकन को हम अच्छे से 15 मिनट को पकाएंगे। चिकन पककर तैयार हो गया। आधी प्याली हरा धनिया और आधी प्याली पुदीना बारीक कटा हुआ डालेंगे और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने छना हुआ 1/2 किलो मैदा लिया है, इसमें हम 1 प्याली गेहूं का आटा डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 100 ग्राम दही डालेंगे और मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। हमें चिकन बैदा रोल का आटा न सख्त गूंदना है न नरम गूंदना है। जिस तरह से रोटी को आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें आटा गूंदना है। आटा गूंदकर अच्छी तरह से हो गया। अब हम इसे 15 से 20 मिनट ढककर रखेंगे। 20 मिनट हो गए, ये सॉफ्ट सा आटा बनकर तैयार हो गया। अब हम अच्छी तरह से गूंद कर इसके पेड़े बनाएंगे। अब हम ये चिकन बैदा रोल की रोटी बनाएंगे। रोटी बेल कर हो गई। अब हम एक अंडा फेंटेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, तेल को गरम करेंगे और अब हम आमलेट तैयार करेंगे। आमलेट एक तरफ से पक गया, दूसरी तरफ फ्राई करेंगे। आमलेट को ठंडा करेंगे। ठंडा किया हुआ आमलेट हम रोटी के ऊपर लगाएंगे, उसके ऊपर हम चिकन लगाएंगे। दोनों हाथों की मदद से इस तरह हम चिकन बैदा रोल को फोल्ड करेंगे। अच्छे से हाथों से प्रेस करके रोल बनाएंगे। आप अगर चाहिए तो चिकन बैदा रोल में चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ तो ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं डाल सकते। ये चिकन बैदा रोल बनकर तैयार हो गए। अब हम चिकन बैदा रोल को शैलो फ्राई करेंगे। एक तरफ से चिकन बैदा रोल फ्राई हो गया। अब हम इसमें इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छा लाइट गोल्डन चिकन बैदा रोल बनकर तैयार हो गया। ये मजेदार सी रेसिपी जरूर देखिए, जरूर ट्राई कीजिए। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।